वी आर रीडिंग अबाउट सेल. हम किसकी रीडिंग कर रहे थे? हम स्टडी कर रहे थे सेल के बारे में. अबाउट सेल, हमने सेल की डिस्कवरी पढ़ी. डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी अपन ने पढ़ी. कि सेल की डिस्कवरी जो थी वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डिस्कवरी की. आफ्टर देन ल्यूवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की 1674 में. फिर अपन ने नंबर ऑफ सेल के बेस पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ा था. हमने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा. आफ्टर देन हमने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा. प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा. टुडे आवर टॉपिक इज शेप ऑफ सेल. आज का अपना टॉपिक क्या है? शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल की शेप. जो अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती है, उन सेल्स की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो शेप किस टाइप की होती है. ठीक है, तो अपन बात करें शेप ऑफ सेल की, तो उनमें मेनली राउंड शेप्ड सेल या स्फेरिकल शेप्ड. नेक्स्ट सेकंड ओवल शेप्ड. ओवल शेप्ड. नेक्स्ट थर्ड अपन बात करें इरेगुलर शेप्ड, जिनकी कोई निश्चित शेप नहीं होती, कोई कांस्टेंट शेप नहीं होती है. फोर्थ ब्रांच्ड, कैसी होती है? ब्रांच्ड. और फाइव स्पिंडल शेप. दीज आर फाइव शेप ऑफ सेल. फर्स्ट राउंड शेप, ओवल शेप, इरेगुलर शेप, ब्रांच्ड एंड स्पिंडल शेप. बात करें इनके एग्जांपल्स की. राउंड शेप और स्फेरिकल शेप जो सेल्स हैं उनके एग्जांपल की बात करें, आरबीसी सेल्स. आरबीसी जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, उनकी जो शेप है वो कैसी होती है? राउंड शेप्ड होती है या स्फेरिकल शेप्ड होती है, या फिर आरबीसी सेल की स्ट्रक्चर जो है वो प्लेट शेप्ड होती है. प्लेट जो होती है, तस्त्री जिसको बोलते हैं, उस प्लेट शेप्ड भी क्या होती है? आरबीसी की स्ट्रक्चर होती है. नेक्स्ट अपन बात करें ओवल शेप्ड. ओवल यानी एग शेप्ड. ओवल शेप्ड या इसको क्या बोल सकते हैं अपन? एग शेप्ड. तो एग शेप्ड है तो मतलब किसकी स्ट्रक्चर होगी? ओवम. ओवम जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो किस टाइप की होती है? एग शेप्ड या ओवल शेप्ड होती है. इसके अलावा जो फैट सेल है उसकी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड होती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं इरेगुलर शेप्ड. इरेगुलर शेप्ड या अमोइबा शेप्ड, इसको क्या बोलते हैं? इरेगुलर शेप्ड या अमोइबा शेप्ड. इसको अमोइबा शेप्ड क्यों कहते हैं? व्हाई इट्स कॉल्ड अमोइबा शेप्ड? अमोइबा शेप्ड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अमोइबा जो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? उसकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है? इरेगुलर होती है. ठीक है, कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर नहीं होती है, लगातार स्ट्रक्चर जो है वो अपनी कन्वर्ट करता रहता है. ठीक है, इसलिए इरेगुलर शेप्ड का
नेक्स्ट नेम क्या रख दिया, अमोइबा सेप्ड। ठीक है, अपनी बॉडी में अमोइबा सेप्ड की कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल, वाइट ब्लड सेल। कौन सी सेल, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड जो सेल है वो सेल की शेप कैसी होती है, इररेगुलर होती है। कैसी होती है, इररेगुलर सेप्ड होती है। नेक्स्ट बात करें ब्रांच्ड सेप की, ब्रांच का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ट्री है, तो ट्री में क्या होती है, एक मेन ब्रांच होती है, उसके बाद में वो अलग अलग और ब्रांचेज के अंदर क्या होती चली जाती है, डिवाइड होती चली जाती है। तो इस टाइप की भी सेल जो है अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो कौन सी होगी, ब्रांच्ड टाइप सेप, ब्रांच्ड सेप्ड सेल होगी। तो ऐसी का एग्जांपल क्या है, नर्व सेल। कौन सी, नर्व सेल। और नर्व सेल के अलावा, नर्व सेल के अलावा अपन बात करें तो कौन सी होती है, बोन सेल। कौन सी, बोन, यानी जो अपनी हड्डियां हैं वो भी कैसी होती है, ब्रांच्ड। अब देखो नेक्स्ट स्पिंडल सेप्ड। कौन सी है, स्पिंडल सेप्ड। स्पिंडल का सेप्ड का मतलब क्या होता है, स्पिंडल यानी कि उसके दो पार्ट, कोई ऐसी सेल जिसके बोथ जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स कैसे होते हैं, तीखे होते हैं, नुकीले होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्पिंडल सेप्ड बोलते हैं। अब स्पिंडल सेप्ड एग्जाम्पल मसल सेल। कौन सी सेल, मसल, जो सेल है मसल सेप, सेल की जो शेप है वो कैसी होती है, स्पिंडल सेप्ड होती है। तो यहां देखो नर्व सेल और मसल सेल दोनों की स्ट्रक्चर जो है मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये किसकी स्ट्रक्चर है, यह है नर्व सेल की। किसकी स्ट्रक्चर है, नर्व सेल की। तो ये कैसी है, देखो यहाँ से ये क्या है, अलग अलग ब्रांच के अंदर डिवाइड हो रही है, अलग अलग ब्रांच में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इसलिए इसको क्या कहा, ब्रांच्ड शेप्ड सेल का, क्या कहा इसको, ब्रांच्ड शेप सेल कहा। इसी प्रकार जो बोन सेल है, बोन सेल की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है, एज इट इज ऑलमोस्ट इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है बोन की, इस टाइप की, और उसमें फिर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, बोन सेल की। ओके, तो ये भी क्या हो गई, ब्रांच्ड सेप। मसल जो सेल है जिसको अपन ने कहा है स्पिंडल सेप्ड सेल, तो स्पिंडल सेप्ड यानी कि उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी होती है। तो ये क्या है, इसके जो दोनों पार्ट हैं वो दोनों पार्ट्स कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कैसी स्ट्रक्चर, किसकी स्ट्रक्चर है, मसल सेल की स्ट्रक्चर है। कैसी हो गई, स्पिंडल शेप। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, शेप ऑफ सेल। अपना टॉपिक क्या था, शेप ऑफ सेल। तो अपन ने फाइव शेप्स जो है सेल की, उनकी अपन ने यहाँ डिटेल स्टडी की है। फाइव शेप कौन कौन सी है, फर्स्ट राउंड शेप्ड, सेकेंड ओवल शेप्ड, थर्ड स्पिंडल शेप्ड, फोर्थ ब्रांच्ड शेप्ड, और फाइव इररेगुलर शेप्ड। ठीक है, तो ये फाइव क्या है, शेप है सेल की।
ठीक है, विथ एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, शेप ऑफ सेल के बाद में देखो शेप ऑफ सेल के बाद में मैंने आपको कल बताया था नेक्स्ट टॉपिक साइज ऑफ सेल, ठीक है, सेल साइज। अपन ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स की यदि टॉकिंग करें, यदि अपन ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स में स्मॉलेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इन वॉल ऑर्गेनिज्म एंड विच इज द लार्जेस्ट सेल इन वॉल ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसका कंप्लीट नेम है। ये क्या है माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है माइकोप्लाज्मा। जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे 8th चैप्टर में तो वहां अपन किंगडम, फर्स्ट किंगडम होगा मोनेरा, उस मोनेरा किंगडम में किसको रखा गया है माइकोप्लाज्मा, इसका कंप्लीट नेम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसकी जो साइज है वो साइज होती है 0.2 माइक्रोमीटर, कैसी होती है 0.2 माइक्रोमीटर। तो ये क्या है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, ओके, किन में वॉल ऑर्गेनिजम्स में। एंड सेकंड लार्जेस्ट सेल इन वॉल ऑर्गेनिज्म, यदि लार्जेस्ट सेल की बात करें वॉल ऑर्गेनिज्म में तो वो कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, क्या है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट सेल है वॉल ऑर्गेनिज्म में। यदि अपन लार्जेस्ट सेल की बात करें अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर, अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो अपनी ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो है नर्व सेल। कौन सी सेल है, नर्व सेल, जो अपनी बॉडी के ईच पार्ट के अंदर, एवरी पार्ट्स के अंदर वो कंप्लीटली नर्व सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। नर्व सेल है वो अपनी बॉडी के एवरी पार्ट, ईच पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात थी अपने किसकी, साइज ऑफ सेल की। चलो इसके साथ में बात करते हैं कि अपनी बॉडी की, ये ह्यूमन बॉडी की बात करें तो लार्जेस्ट बोन कौन सी है और स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, विच ऑफ द लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। यदि बात करें स्मॉलेस्ट बोन की तो अपने जो ईयर है, ईयर में थ्री बोन्स हैं और उन थ्री बोन्स में जो स्टेपीज है वो स्टेपीज सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और यदि अपन बात करें लार्जेस्ट बोन की तो लार्जेस्ट बोन कौन सी है, अपने जो पैर है उसकी जो फीमर जो बोन है उस फीमर बोन क्या है सबसे लार्जेस्ट है। नेक्स्ट अपना आज का जो थर्ड टॉपिक था वो क्या है, सेल थ्योरी, क्या था अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेल थ्योरी। बात करते हैं अपन सेल थ्योरी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां क्वेश्चन ये बनता है कि सेल थ्योरी किसने दी, ठीक है। तो बात करें सेल थ्योरी किसने दी, तो सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन एंड स्वान ने, किसने दी थी स्लाइडन एंड स्वान ने, कब दी थी स्लाइडन और स्वान ने, तो स्लाइडन 1838 एंड स्वान 1839, स्लाइडन 1838 एंड स्वान 1839, इन्होंने सेल थ्योरी दी। और उस सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा स्लाइडन और स्वान ने, इन्होंने कहा कि जो सेल है वो सेल अपनी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है,
या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। या थर्ड अपन कहें तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर है अपनी बॉडी की, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, किसने कहा था, स्लाइडन और स्वान ने, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने स्लाइडन और स्वान ने क्या कहा कि ऑल जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ऑल प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, कि सभी किससे मिलकर के बने हैं, सेल से मिलकर के बने हैं। यानी कि सेल थ्योरी में फर्स्टली है क्लियर किया गया था कि ऑल जो लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स जो है वो किससे कंपोज्ड होते हैं, वो सेल से कंपोज्ड होते हैं। सेल जो है वो सेल अपनी बॉडी जो लिविंग थिंग है उन लिविंग थिंग की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये अपनी बॉडी की बेसिस है, ये अपने बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। वो कब निकल के आ गई थी बात, 1838 और 1839 में स्लाइडन और स्वान द्वारा। बट ये दोनों क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। आफ्टर देम 1838 और 1839 में सेल थ्योरी जो थी वो स्लाइडन और स्वान द्वारा दी गई थी। आफ्टर देन कब, 1855, और 1855 में कौन आया, रूडोल्फ विर्चो, कौन आया, रूडोल्फ विर्चो। इन्होंने भी क्या दी थी, रूडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी दी थी, क्या दी थी, सेल थ्योरी। और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या कहा, इन्होंने कहा कि एवरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जाइटिंग सेल्स, यानी कि एवरी जो न्यू सेल है, मींस क्या है कि एवरी जो न्यू सेल है वो न्यू सेल अपनी ओल्ड जो सेल है, प्री एग्जाइटिंग जो सेल है उसी सेल से डेवलप्ड होती है, उसी सेल से क्या होती है, डेवलप होती है। ये बात किसने कही थी, रूडोल्फ विर्चो ने, कब कही थी, 1855। तो यहाँ से जो सेल थ्योरी थी, तो वो सेल थ्योरी जो दोनों की सेल थ्योरी यानी स्लाइडन स्वान और उसके बाद में रूडोल्फ विर्चो, दोनों की सेल थ्योरी को ऐड कर दिया गया और ऐड करके एक सेल थ्योरी जो थी, मॉडर्न सेल थ्योरी, वो दे दी गई, ठीक है। उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो यही थे कि एवरी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मेडअप होते हैं, किससे कंपोज्ड होते हैं, सेल से कंपोज्ड होते हैं, सेल अपनी बॉडी की बेसिस, फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एवरी जो न्यू सेल्स है उनकी वो अराइज होती है किससे, अपनी प्री एग्जाइटिंग सेल से अराइज होती है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ तक समझ गए, रूडोल्फ विर्चो ने जो कहा कि एवरी जो सेल है वो अपनी प्री एग्जाइटिंग सेल से ही अराइज होती है। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के बेस पर समझ सकते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की थी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल होती है, और उन्हीं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से को किसकी अराइज हुए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज हुए। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी जब एक सेल जो है सिंगल सेल, वो सिंगल सेल ही आगे उसमें डिवीजन होकर के और क्या होता है, टू और मोर देन सेल्स फॉर्म्ड होती है। जैसे कि ओवम जो है, ओवम और स्पर्म क्या है, ओवम जो है वो यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गन है। अब ये जो सिंगल सेल है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्लीवेज स्टार्ट होता है और क्लीवेज से सेल जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, और एक सेल जो है वो एक सेल दो में, टू से फोर, फोर से एट, एट से 16, 16 से 32, इस प्रकार सेल्स जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, रूडोल्फ विर्चो ने, कब कही थी, 1855 में। नेक्स्ट, अपनी सेल थ्योरी जो है वो सेल थ्योरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसके बाद में सेल थ्योरी के बाद में अपन बात करते हैं आगे
पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के पार्ट्स की बात करते हैं। तो देखो सेल के पार्ट्स की बात करें तो सेल के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, तो ये एक सेल है। इस सेल में ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म और अंदर न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। ये थ्री जो है ये क्या है, पार्ट्स है किसके, सेल के, किसके पार्ट है, ये सेल के पार्ट है, ठीक है। बात करें अपन न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, व्हेन 1831 रॉबर्ट ब्राउन फर्स्टली डिस्क्राइब्ड न्यूक्लियस इन ए सेल, ठीक है। अपन बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल की, थ्री पार्ट्स हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो सबसे आउटर पार्ट होता है सेल का, आप्रदेन, सबसे इनर जो पार्ट होता है वो क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच जो फ्लूइड भरा होता है वो फ्लूइड क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर मेनी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो इबेंडेड होते हैं, मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर इबेंडेड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहां से एक बात और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है, क्या, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को सन 1838 व्हेन 1838 परकिंजे, ये एक साइंटिस्ट का नेम है परकिंजे, उस परकिंजे ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को सम्मिलित रूप से या साथ में क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है, ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसके द्वारा दिया गया, प्रोटोप्लाज्म वर्ड है वो परकिंजे द्वारा 1838 में दिया गया। आज की अपनी ये क्लास जो है वो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इन टाइप्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की वन बाय वन। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।